जानकारी क्या है। सुबह होते ही पसीना आना शुरू हो जाता है, जबकि धूप निकलने के बाद तो मानो घर में भी रहना मुश्किल होने लगा है। दिल्ली एनसीआर में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर गर्मी प्रचंड रूप से है। दिल्ली में तापमान 48 डिग्री तक चला जा रहा है। तो ये स्थितियां हैं दिल्ली में, और तमाम राज्यों का भी कुछ इसी तरह का हाल है, जहां पर सुबह से ही लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिन चढ़ते ही गर्मी तेज पड़ने लग जाती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर जारी है। पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। दोपहर के वक्त सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों गर्मी की तपिश देखते ही बनती है, और लगातार देखिए, चूंकि ये दोपहर का वक्त है, आप सड़कें देख सकते हैं किस प्रकार से सूनी पड़ी है, और लगातार छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से तेज गर्मी और अब लू का कहर भी देखते ही बनता है। तो वहीं अब जो गर्मी को लेकर के लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, शीतल पेयजल का उपयोग कर रहे हैं, तो वहीं जो घड़े हैं, देखिए जो ये घड़े हैं, थर्मस है, ये पानी की बोतल है, ये इस तरीके के आकर्षक जो घड़े हैं, जो आज भी जो फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीते हैं, घड़े का पानी उपयोग करते हैं, तो उनके लिए भी देखिए किस प्रकार से विशेष रूप से रायपुर के बाजारों में मटके आए हुए हैं। इतनी गर्मी, जो तपिश है, सूरज देवता की जो तपिश है, उससे लोग जरूर परेशान हलाकान हो रहे हैं। दोपहर का वक्त जरूर आप देख सकते हैं कि जो जिस प्रकार से रूटीन के तौर पे अगर देखें तो यहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ चलती रही हैं, लेकिन अब चूंकि तेज गर्मी है, दोपहर का वक्त है, तो जो उस लिहाज से काफ़ी कम लोग ही, अब जो बेहद ही ज़रूरी काम जिन्हें पड़ता है, वही लोग सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल इस तेज गर्मी की मैं आपको बता दूं कि अभी नौतपा नहीं आया है, लगातार गर्मी और बढ़ेगी। 45 डिग्री वर्तमान जो आज का जो आकलन किया जा रहा है, 45 डिग्री रायपुर का तापमान है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोनों की अगर हम बात करें तो 43 से 45 डिग्री पे ही। और इसी गर्मी को लेकर क्या स्थितियां हैं, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। आदित्य कुमार दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं, महेंद्र माही नोएडा से, अनिल चौधरी गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले आदित्य, आपके पास आना चाहेंगे अब, क्योंकि दिल्ली में आज का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, ऐसे में सुबह से ही गर्मी तेज पड़ने लगती है, लोगों के लिए घरों से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि ऐसी गर्मी में लोग अपना ध्यान कैसे रखें, और आने वाले वक्त की अगर हम बात करें तो क्या कुछ अनुमान है मौसम विभाग का इस गर्मी को लेकर? जी, आपने सही कहा कि दिल्ली में जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, कल की अगर हम बात करें तो 47.6 जो तापमान है डिग्री, वो चला गया था नजफगढ़ इलाके में, पीतमपुरा में 46 डिग्री के आसपास था। ये बहुत ही भयानक है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा आंकड़ा है आईएमडी ने जारी किया, और आईएमडी का कहना है कि पिछले 11 साल का रिकॉर्ड जो है दिल्ली में गर्मी इस बार तोड़ रही है। पिछले 11 साल पहले हाईएस्ट जो टेम्परेचर गया था वो 45 डिग्री सेल्सियस गया था, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है, वो आम लोगों के लिए बहुत ही परेशानी भरी बात है। इसलिए क्योंकि दिक्कत सबसे ज्यादा यह है कि बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, उनके हेल्थ के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो, इसलिए शिक्षा विभाग, दिल्ली के शिक्षा विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है, और 30 जून तक जो है उनके स्कूल को बंद करने की बात की गई है, और यहाँ तक कि कुछ स्कूल ऐसे जो आदेश के बावजूद भी खोल करके रखे हुए थे, बच्चों को बुला रहे थे, उनको सख्त टिप्पणी की गई है, उनको सख्त हिदायत दी गई है कि आप अपने स्कूल को बंद रखेंगे। और नोएडा को लेकर, ठीक है आदित्य, आपके पास आएंगे हम, महेंद्र नोएडा को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, उत्तर प्रदेश को लेकर क्या हालत है, मौसम विभाग की तरफ से क्या अनुमान है? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर नोएडा की बात करें तो पिछले 72 घंटे में जो नोएडा का जो पुराना रिकॉर्ड था वो तमाम टूटे हैं, और चलिए महेंद्र माही की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अनिल चौधरी गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो क्या इसी तरह से गर्मी का सितम जो है वो गाजियाबाद के लोगों पर भी पड़ रहा है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए मैं आपको बता दूं, NH9 को कनेक्ट करने वाली कविनगर वाली जो रोड है उस पर हम मौजूद हैं। ये सड़क लगातार जो वाहनों से भरी रहती, पर फिलहाल जो है इक्का दुक्का ही वाहन जो है आता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। सीधी तस्वीरें गाजियाबाद से हम दिखा रहे हैं। वजह यही है, लगातार जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है
लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। साथ ही इसको लेकर एडवाइजरी भी लगातार जारी की जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि आगामी कुछ दिन इस तरीके के हालात जो है बने रहेंगे। वहीं गाजियाबाद की भी बात करें तो गाजियाबाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि घर से बाहर निकल रहा है तो जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकला जाए, अन्यथा घर के अंदर ही रहे, क्योंकि हीट वेव जिस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है, बीमार कर रही है, तो लोगों को जरूरत है तो इस ओर ध्यान देने की और अपनी सेहत का ध्यान रखने का। और साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि घर से बाहर निकले तो पानी की बोतल या कुछ भी इस तरीके का पेयजल जरूर लगातार लेते रहें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, सीआरएसएन के जो लोग शिकार हो रहे हैं, ऐसे में अस्पतालों में ज्यादातर मरीज जो है डिहाइड्रेशन के पहुंच रहे हैं। तो इसको लेकर ही लगातार स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी जारी कर रहा है, लोगों को सजेस्ट कर रहा है कि आप जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, क्योंकि आने वाले दिन इसी तरीके के बने रहने वाले हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।